बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साल का पहला दिन है और आज जो अभ्यर्थी लगातार 22,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनके दिन की जो शुरुआत है नए साल की, वो धरने प्रदर्शन से हुई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये निजी आवास है उनका और यहाँ पर ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। इस समय सामने का नज़ारा आपको दिखाते हैं। काफ़ी यहाँ पर जो गली है बहुत संकरी गली है और यहाँ पर ये सारे अभ्यर्थी जो हैं बैठ गए आकर और मांग कर रहे हैं 22,000 पदों पर भर्ती की। इन अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। बहरहाल यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और जो इनके पोस्टर्स हमें दिख रहे हैं उन पर लिखा हुआ दिख रहा है बाबा 22 लोग। आज सुबह सुबह साल का पहला दिन और आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डिप्टी सीएम के आवास का घेराव, क्या मांग? हमारी मांग है जो 1,37,000 के पद थे उसमें तुष्टिकरण ना करते हुए जनरल ओबीसी और एससी हर वर्ग को न्याय दिया जाए और 1,37,000 को पूरा किया जाए। हम लोगों ने बहुत लाठियां खाई, बहुत बार जेल जा चुके, अभी भी हमें न्याय नहीं मिला। एबीपी गंगा में आकर के योगी जी ने बोला था कि यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है और ये योग्य शिक्षक 21 जून से यही कह रहे हैं हम योग्य हैं। टंकी से योग्यता बोल रही हम योग्य हैं। 11 अगस्त से हमारी बहन टंकी से बोल रही मैं योग्य हूँ, मुझे न्याय दीजिए। चीज जानना चाहेंगे, आप लोग मांग कर रहे हैं जो बचे हुए पद है तो उनको लेकर, तो उनका कहना है 17,000 पद है और हम भर्ती निकाल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम नई शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं। जब 6 माह में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि समायोजन के पद है 6 माह के अंदर पूरे भरिए, तब यूपी जब 68,500 की वैकेंसी में योग्य शिक्षक नहीं मिले थे तो इन्होंने योगी जी ने कहा था यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है जो आए कंपटीशन बीट करे और 1,37,000 पदों को हम भरे। आज 1,37,000 पदों को भरवाने के लिए लगातार हम 21 जून से अपनी बात रख रहे हैं कि हमने 115-120 नंबर ला के अपनी योग्यता साबित की है। 90 और 97 नंबर वाले नौकरी पे है। आपकी गलत नीतियों के कारण 3 नंबर बांट करके हम सबको जो फेल लड़के थे उनको पास किया गया और अकेडमिक की वजह से उनको नौकरी दे दी गई और हम जो 115-120 नंबर लेके आए 150 नंबरों में वो हम बाहर हो गए क्योंकि हम बीजेपी शासन काल के पड़े हुए बच्चे थे। हमारी अकेडमिक पुरानी थी, हमारी नकलविहीन परीक्षा की अकेडमिक थी, उस समय की मूल्यांकन पद्धति अलग थी। तो अकेडमिक लगा करके हमारे साथ विश्वासघात किया गया, 3 नंबर बांट के विश्वासघात किया गया और इसके बावजूद 1,37,000 पद जो 6 माह में भरने थे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया है योगी जी ने और वो पद भरे नहीं गए और अब तुष्टिकरण कर रहे हैं, ओबीसी को सीटें दे रहे हैं, एससी को सीटें दे रहे हैं, जिनको वो सदन में बैठ के कहते थे कि सुचिता पूर्वक हमने पूरी वैकेंसी कराई है, आज वो कहते हैं कि हम अनियमितता हुई है और कंपनसेशन दे रहे हैं। कंपनसेशन के नाम पर, चोरी करने के नाम पर आज वो सीटें बांट रहे ओबीसी को और एससी वर्ग को और सवर्णों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग के साथ न्याय हो, संपूर्ण समायोजन करे सरकार, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लगातार मंत्री ये कह रहे हैं कि एक भर्ती के पद दूसरे में नहीं जोड़ सकते, दोनों के जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था अलग था। देखिए मंत्री गलत कह रहे हैं, सरकार ही नियुक्ता होती है, सरकार को पूर्ण अधिकार होता है वैकेंसी घटाने बढ़ाने का, वही नियम कानून बनाती है। पहली वैकेंसी के पद दूसरी वैकेंसी में इसलिए जोड़े जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में भरना 6 महीने के अंदर, 4.5 साल हो गया। हम सरकार को बताना चाहेंगे 2 कारण से हम लोग धरना दे रहे हैं, तो आपको 40% अकेडमिक नहीं जोड़नी चाहिए, दूसरा हिंदी में तीनों क्वेश्चन सही थे, आपने तीनों में हिंदी में नंबर दिए जिसके कारण अयोग्य अभ्यर्थी ने योग्य अभ्यर्थी की नौकरी छीनी। आप आरक्षण को 6,000 सीट दे सकते हैं तो हम सवर्ण कहाँ जाएंगे, आप कहाँ सीट देंगे? आप एक विशेष वर्ग के साथ सीट देकर आप अन्याय कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं साफ शब्दों में कि अगर आप विशेष वर्ग को सीट देंगे तो सवर्ण समुदाय भी आपसे हट जाएगा, ना आपको ओबीसी देगा, ना एससी, ना एसटी वोट देगा, ना ही जनरल समुदाय आपको वोट देगा। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। आप हमारी ये मांग है कि 1,37,000 में जो रिक्त पद हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 रिक्तियों में पूरे हों, तो वही करे सरकार, जो रिक्त पद हैं वो सभी वर्गों में बांटे जाएं, ना कि एक विशेष वर्ग को दिए जाएं। सिर्फ हमारी सरकार से यही मांग है बस। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की बात को हमने सुना, उनका साफ कहना है कि जो 17,000 पदों की नई भर्ती है वो भर्ती उनको नहीं चाहिए। उनका कहना है जो पद पहले से पड़े हुए हैं, जो 17,000 सरकार नई भर्ती ला रही है, नई भर्ती ना लाकर उन पदों पर जो पहले से अभ्यर्थी मौजूद हैं उन्हीं को नियुक्ति दी जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।